हाँ जी संगत जी सारों वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की फतेह। तो अज आप पहुँचे हाँ तलवंडी साबो तख्त श्री दमदमा साहब ते तुहानू कराउणे आ दर्शन। तो जिवें तुहानू पता है कि विसाखी का जिहड़ा त्यौहार है 13 अप्रैल नू हुंदा हैगा ते उहदे संबंध में जिहड़ियां तैयारियां जोरां शोरां ते है 2 दिन रह गए आ। तो आप पहला आ गए सीगे क्योंकि इत्थे विसाखी वाले दिन जिहड़ा लखां च इकट्ठ हुंदा संगत दा बहुत दूरों दूरों संगत दर्शन करन पहुँचती है ते पैर धरन नू जिहड़ा थां नहीं हुंदा। ते जिवें तुहानू पता है कि विसाखी दे त्यौहार की जिहड़ी सिख धर्म दे विच बहुत ही महत्ता है क्योंकि इस दिन खालसा पंथ की जिहड़ी नींह रखी गई सी ते खालसे का जन्म होया सी। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी नू श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते 5 प्यारां तो जिहड़ा सीस पेंट करा के खंडे बाटे का जिहड़ा अमृत संचार तैयार किया उन्हां नू अमृत छकाया ते खुद उन्हां तों अमृत छकिया ते खालसे पंथ की जिहड़ी नींह रखी गई ते इत्थों खालसे का जन्म होया। आज तुहानू हुण आपां अंदरों दर्शन कराउणे आ तख्त श्री दमदमा साहब दे। तुसीं देख सकते हो कुछ तस्वीरां इह जिहड़ियां इस बार नवीं लगाईआं गईआं जिहड़ियां अपने इतिहास बारे जाणू करवाउंदियां ने ते वी कदों गुरू साहिब इत्थे आए ते किन्ना टाइम रहे ते किद्दां उन्हां ने इस स्थान ते ही गुरू गोबिंद सिंह जी ने भाई मणि सिंह जी पासों आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बीड आ जिहड़ी लिखवाई सीगी अते चारे तख्तां तक पहुँचाई सीगी। आ देखो तुसी ये वो करीर हन 1000 साल पुराने जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना जिहड़ा घोड़ा बन्निया सीगा ये अज भी हरे भरे आ तुसी देख सकते हो 2 करीर आ ये 1000 साल पुराने आ पर अज भी जिहड़े ये उदां दे उदां ही खड़े आ हरे हरे। आज हुण तुहानू दसदे आं तख्त श्री दमदमा साहब का पूरा इतिहास ते इस स्थान का जिहड़ा नाम आ उह दमदमा साहब किवें पिया। ये पावन तख्त खालसा पंथ का जिहड़ा चौथा तख्त है साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी समें दे जावर हुकमराना के खिलाफ़ जूझते हुए 1704 ईस्वी नू आनंदां दी पुरी श्री आनंदपुर साहब नू छड्ड के चमकौर साहब माछीवाड़ा दीना कांगड़ मुकसर साहब लखी जंगल पक्का पथराला आदि स्थानां नू भाग लाउंदे होए इस स्थान ते 1705 ईस्वी नू पुज्जे सीगे। गुरु जी ने इत्थे करीरां दे झुंडां नाल घिरी हुई एक उच्ची थड़ी सीगी उस दे उत्ते कमर कस्सा खोल के दम लिया ते इस तरह ही जिहड़ा इस स्थान दा नाम दमदमा साहिब मशहूर होया। इस स्थान ते गुरु जी लगभग 1.25 साल तो वध समां रहे ते इत्थे ही बंदूक के निशाने नाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां दा जिहड़ा सिक्खी सिदक परख्या सीगा। इस इलाके दे चौधरी बाबा डल्ला जी नू समेत परिवार अमृत की दात बख्श की उन्हों का नाँ डल्ला सिंह रख्या। इत्थे ही गुरु जी ने शहीद भाई मणि सिंह जी पासों आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बीड़ लिखवाई सी ते इस स्थान पर याद वजो गुरद्वारा दमदमा साहब सुशोभित है। शहीद बाबा दीप सिंह जी ने इस बीड़ के उतारे करके चारे तख्तों पर भेजे सन। खालसा साजना दिवस विसाखी ते दूसरी बार 1.25 लाख ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹੱਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਸਥਾਨ ਬੁਰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਘਸੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਇਸ ਜਿਸ ਕਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ।